सो आज हम दिसंबर के मंथ का पार्ट टू कवर कर रहे हैं। इसमें हमने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दिसंबर के करंट अफेयर कवर करे हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट वन की भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हमने 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के करंट अफेयर कवर करे हुए, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हू लॉन्च वर्ल्ड सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क। किसने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क। हमें ऑप्शन दिए बीएसएनएल, वीडियो एमटीएनएल, सीडीओ बोथ एंड बी डी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया बीएसएनएल ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बीएसएनएल अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस सर्विसेज सर्विस दैट कैन बी यूज्ड अक्रॉस इंडिया वेयर मोबाइल टावर्स आर नॉट प्रेजेंट इंक्लूडिंग द सीज विद इन द कंट्री। द स्टेट रन टेलीकॉम फर्म सेड इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क। सैटेलाइट रन टेलीकॉम फर्म ने बोला है कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट होगा जो कि नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क होगा और ये हर जगह प्रेजेंट होंगे इसके मोबाइल टावर। ठीक है, सो ये किसने लॉन्च किया? बीएसएनएल ने। और हमने यही डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है कि ये सैटेलाइट जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे है, डिवाइस पे है। ठीक है, और इसके मोबाइल टावर्स हर जगह प्रेजेंट होंगे इंक्लूडिंग सीज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी डिक्लेयर 100% ऑर्गेनिक। इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसे डिक्लेयर किया गया 100% ऑर्गेनिक। हमें ऑप्शन में दिया लक्षद्वीप, बी दिया जम्मू एंड कश्मीर, सी दिया पांडिचेरी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो वो है लक्षद्वीप। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। आफ्टर सिक्किम लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक एज ऑल फार्मिंग इज कैरिड आउट विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स and pesticides providing access to safer food choices and making agriculture a more environment friendly activity. The Ministry of Agriculture has declared the island as organic. Sikkim के बाद लक्षद्वीप को पहली यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जो कि पूरी ऑर्गेनिक है। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी इसे डिक्लेयर करा है एज द आइलैंड एज ऑर्गेनिक। सो कौन सी यूनियन टेरिटरी जो 100% ऑर्गेनिक है? दैट इज लक्षद्वीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ FICCI एज 93rd एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या थी थीम FICCI के 93rd एनुअल जर्नल मीटिंग की? FICCI की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो 93rd एनुअल जर्नल मीटिंग हुई थी उसकी थीम क्या थी, हमें ये बताना है। सो हमें ऑप्शन में दियो इंस्पायर्ड इंडिया, बी दियो इंस्पायर्ड स्किल इंडिया, सी दियो बोथ एंड बी डी दियो नन ऑफ दिस। सो इसकी थीम थी इंस्पायर्ड इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस ऑफ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 93rd एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एनुअल कन्वेंशन ऑन दिसंबर 12 बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनॉग्रेट द वर्चुअल FICCI एनुअल एक्सपो 2020 which will provide an opportunity to exhibitors from across the globe to showcase their product and advance their business prospects. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे FICCI के 93rd एनुअल जनरल मीटिंग की और एनुअल कन्वेंशन की। कब की है उन्होंने ये? दिसंबर 12 को। किस तरीके से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इसे वर्चुअली FICCI का एनुअल एक्सपो 2020 जो कि प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी एग्जीबिटर्स को अक्रॉस द ग्लोब और जिसमें कि वो शोकेस कर सकते अपने प्रोडक्ट्स और एडवांस बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। सो इसकी थीम क्या थी? इंस्पायर्ड इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन मीटिंग ऑन म्यांमार बायलेटरल मीटिंग विद सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार। किसने मीटिंग करी है म्यांमार बायलेटरल मीटिंग में? किसके साथ? विद सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार। हमें ऑप्शंस दिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बी दी यू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये करी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द फिफ्थ इंडिया म्यांमार बायलेटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन बिटवीन द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया एंड सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल म्यांमार वॉज हेल्ड वर्चुअली। सो ये फिफ्थ इंडिया और म्यांमार की बायलेटरल मीटिंग हुई थी ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पे बिटवीन द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया एंड सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल। और ये कैसे हुई थी? वर्चुअली हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम इज अडॉप्टेड बाय द यूएन एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द इंटरनेशनल प्राइज फॉर
क्रिएटिव इकोनॉमी इन इट्स 210th सेशन। किसका नाम लिया गया है, अडॉप्ट किया गया यूएन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ने फॉर द इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी 210th सेशन का? सो हमें ऑप्शन भी दिया, बंगा बंधु अवार्ड, बी दिया बंधु अवार्ड, सी दिया बोथ एंड बी दिया नॉन ऑफ। सो किसका नाम अडॉप्ट किया गया है इस इंटरनेशनल प्राइज के लिए? सो ये किया गया बंगा बंधु जी का नाम, तो इसलिए इस अवार्ड का नाम क्या लिखा गया, बंगा बंधु अवार्ड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूएन एजेंसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड अडॉप्टेड द प्रपोजल इन यूनेस्को बांग्लादेश बंगा बंधु शेख मुजिबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी इन इट्स 20th सेशन ऑन दिसंबर 11। द यूनेस्को लॉन्च अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर इन सेवरल फील्ड्स सच एज एजुकेशन कल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद फाइनेंशियल हेल्प ऑफ द मेंबर स्टेट्स। सो किसका नाम इसमें अडॉप्ट किया गया, दैट इज बंगा बंधु अवार्ड, और ये इनमें अडॉप्ट किया गया बंगा बंधु शेख मुजिबुर रहमान जी का नाम, ठीक है। और ये अवार्ड जो है यूनेस्को ने लॉन्च किए हैं किसके लिए, एजुकेशन कल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म, किसने लॉन्च किया ई एग्रीकल्चर स्मार्ट मार्केट प्लेटफॉर्म? हमें ऑप्शन दिया बीएससी, बी दिया एनएससी, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया बीएससी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द लीडिंग बीएससी स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। द एक्सचेंज सेड इन अ स्टेटमेंट द बीएससी एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ओपन नेशनल लेवल कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग platform in line with the vision of the Prime Minister to establish a single market. So BSE ने launch किया एक electronic spot platform agriculture product के लिए, और exchange ने बोला है कि BSE e-agriculture market जो है वो एक ऐसा platform होगा जो कि act करके institutionalize वे में, इलेक्ट्रॉनिक वे में, ओपन एंड नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव वे में। और इसे किसने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने इसे एस्टेब्लिश किया है एक सिंगल मार्केट ने। सो किसने लॉन्च किया ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म, दैट इज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर इज आरबीआई ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, कहाँ पे है आरबीआई का ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर? हमें ऑप्शंस में दिया जयपुर, बी दिया नागपुर, सी दिया दिल्ली, डी दिया नानावती। सो ये है जयपुर में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विद अ व्यू टू इफेक्टिवली डील विद इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर। सो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है बैंक नोट्स का, इसलिए आरबीआई ने सोचा कि हम सेटअप करते हैं एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ, जयपुर में। ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे, ये है जयपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन एमओयू विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन एनवायरमेंट एनर्जी मोबिलिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो किसने साइन किया है एमओयू, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन एनवायरमेंट एनर्जी मोबिलिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर? हमें ऑप्शन दिया इंडिया, बी दिया रशिया, सी दिया ब्राजील, डी दिया नॉन ऑफ दिस। सो बताइए किसने ये एमओयू साइन किया है ऑस्ट्रिया के साथ ऑन द टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो ये साइन किया इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साइन ए एमओयू विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन एनवायरमेंट एनर्जी मोबिलिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने ये एमओयू साइन किया है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन एनवायरमेंट एनर्जी मोबिलिटी इनोवेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, किस पे, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर। सो किसने साइन किया ये, इंडिया ने साइन किया। हमारे यहाँ से किसने साइन किया, इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन 9 एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद उज्बेकिस्तान इन द सेक्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन सीवरेज ट्रीटमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसने साइन किए 9 एग्रीमेंट जिसमें कि वो स्ट्रेंथ करेंगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगी उज्बेकिस्तान के साथ, किस सेक्टर में, रोड कंस्ट्रक्शन में, सीवरेज ट्रीटमेंट में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सो हमें ऑप्शंस में दिया इंडिया, सिंगापुर, लंदन या नन ऑफ दी। सो ये साइन किया इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द इंडिया साइट कन्फर्म द अप्रूवल ऑफ ए 448 million US dollar line of credit to be extended by India for four development
capital project in Uzbekistan in the field of road construction, sewerage treatment and information technology. The Indian side reiterated its commitments to further deepen the development partnership between India and Uzbekistan, including under the framework of India-Central Asia Dialogue. So, India ki side se unhone approve kiya $448 million ka ek line of credit extend kiya India se for 4 development projects Uzbekistan mein honge. Kaun si field mein? Road construction, sewerage ट्रीटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. ठीक है, ये पार्टनरशिप है इंडिया और उज्बेकिस्तान में. ठीक है, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020. किसने जीता है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020? हमें ऑप्शन में दिया अशरफ पटेल, बी दिया नीता मुखर्जी, सी दिया राम शर्मा, डी दिया ननवदीप. सो ये जीता है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अशरफ पटेल ने. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. द SEOY अवार्ड इंडिया 2020 विनर अशरफ पटेल हैज बीन bringing revolutionary change through development of a generation of empathic sensitive youth change maker in India. It is so through psycho-social intervention and helping them build more inclusive identities and society. SEOY क्या है? Social Entrepreneur of the Year Award जो 2020 उसके winner है अशरफ पटेल. और उन्हें ये award इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक revolutionary change लाना चाहते हैं, development करना चाहते हैं, जनरेशन में सेंसिटिव यूथ चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं मोर इंक्लूसिव आइडेंटिटीज एंड सोसाइटीज. ठीक है, ये हेल्प करना चाहते हैं, जैसे लास्ट लाइन में लिखा हेल्प देम बिल्डिंग मोर इंक्लूसिव आइडेंटिटीज एंड सोसाइटीज. सो किसने जीता है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? दैट इज अशरफ पटेल. अब हम इम्पॉर्टेंट डेज और इम्पॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th दिसंबर टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 दिसंबर को. और ये क्या करता है? ये रेज करता है अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन. नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 दिसंबर को. और इसका एम क्या है? कि रेज करे अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रिसाइलेंट हेल्थ सिस्टम एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विद मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनर. ये लोगों को बताता है कि हमें अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़रूरी है, और उसी के साथ हमें अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेना भी कितनी ज़रूरी है विद मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनर. नेक्स्ट है, इटली 1982 वर्ल्ड कप पालो रोसी हैज पास्ड अवे. पालो रोसी कौन थे? वो इटली के 1982 में वर्ल्ड कप के विनर थे. नेक्स्ट है, US एयर फोर्स ऑफिसर एंड टेस्ट पायलट चक येगर हु हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड इन लेवल फ्लाइट हैड पास्ड अवे. चक येगर कौन थे? ये US एयर फोर्स ऑफिसर थे, टेस्ट पायलट थे, जिन्होंने एक्सीड किया था स्पीड ऑफ साउंड को इन लेवल ऑफ फ्लाइट. फेमस संस्कृत स्कॉलर विद्यावत्सपति बनानजी गोविंदाचार्य हैज पास्ड अवे. विद्यावचस्पति बनंजी गोविंदाचार्य कौन थे? एक संस्कृत के स्कॉलर थे फेमस. सो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 दिसंबर को. इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 दिसंबर को. और इसका एम क्या होता है? ये लोगों को बताया कि हेल्थ कवरेज लेना कितनी जरूरी है. इटली के जो वर्ल्ड कप के विनर थे पालो रोसी पास्ड अवे हो चुके हैं. सो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालो रोसी कौन सी कंट्री के थे? ही इज फ्रॉम इटली एंड ही वॉज अ विनर ऑफ 1982 वर्ल्ड कप. नेक्स्ट है, चक येगर कौन थे? US एयरफोर्स ऑफिसर थे और टेस्ट पायलट थे. उन्होंने एक्सीड करी थी स्पीड ऑफ साउंड इन लेवल फ्लाइट. ठीक है, फ्लाइट के लेवल से उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को एक्सीड किया था. विद्यावचस्पति बनर्जी गोविंदाचार्य कौन थे? ये संस्कृत के स्कॉलर थे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर कौन थे? हमें ऑप्शन मिले एरन स्पिन, बीडीए मायना टेलर, सीडीए मैक्स वर्स्टैपेन, डीडीए ननवदीप. सो इसके मिड विनर थे मैक्स वर्स्टैपेन. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. मैक्स वर्स्टैपेन वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स द फाइनल राउंड ऑफ द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर रेड बुल एज ही स्टेड आउट ऑफ रीच ऑफ मर्सिडीज ड्यू वाल्टेरिया बोटास एंड वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन. सो मैक्स वर्स्टैपेन जो थे उन्होंने जीती है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का ये फाइनल राउंड फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप का. और किसने जीता अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स 2020? दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन. नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ ITF डबल
टाइटल इन दुबई। किसने जीता है ITF का डबल टाइटल दुबई में? हमें ऑप्शंस में दिए हैं आशिक बाटी, सीरीना विलियम, सीरी अंकिता रैना, दीदी नानवदी। सो जो विनर है ITF डबल टाइटल दुबई में वो है अंकिता रैना। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर अंकिता रैना वॉन हर थर्ड डबल टाइटल 2020 सीजन क्लिंचिंग द अल हफ्तूर चैलेंज विद एकतेरिन गोगोट्स। सो इंडियन टेनिस प्लेयर जो अंकिता रैना जी ने जीता है ये ITF का डबल टाइटल दुबई में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। किसने रिलीज किया विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया? हमें ऑप्शन दिए हुए सेबी, दीदी नीति आयोग, सीधी RBI, दीदी नन ऑफ दिस। सो ये किसने रिलीज किया विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया? दैट इज रिलीज बाय नीति आयोग। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नीति आयोग रिलीज ए व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया विद द विजन टू मेक इंडिया पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव एंड प्रेडिक्टिव टू एनहेंस प्रिपेयरनेस फॉर एक्शन एट ऑल लेवल। सो नीति आयोग ने रिलीज किया एक व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया विद अ विजन, और इसके अकॉर्डिंग ये इसे बहुत मोर रिस्पॉन्सिव प्रेडिक्टिव और एनहांस बना रहे, इसको प्रिपेयर करे फॉर ऑल एक्शन एट ऑल लेवल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू सेटअप वर्ल्ड लार्गेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कौन सेटअप करने वाला है वर्ल्ड की लार्गेस्ट स्कूटर फैक्ट्री? सो मैं ऑप्शन में दिया ओला, बी दिया उबर, सी दिया मारुति सुजुकी, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये सेटअप करने वाला ओला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ओला सेड दैट इट हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया टू सेटअप वट इट क्लेम्स would be the world largest scooter manufacturing facility in the South India state as the Indian ride hailing firm begin a new push with electric vehicle। So Ola ने बोला कि वो sign कर रही है MOU तमिलनाडु की government के साथ, ठीक है, और वो setup करेगी world की largest scooter manufacturing facility South India में as the Indian ride hailing firm begin a new push with electric vehicle। So कौन करने वाला है world largest scooter factory in तमिलनाडु? That is Ola। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्ट 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मैन हॉकी वर्ल्ड कप? कौन होस्ट करने वाला है 2023 का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मैन हॉकी वर्ल्ड कप? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है गुजरात, सी दी बी दिया हुआ है दिल्ली, सी दिया उड़ीसा, डी दिया बैंगलोर। सो ये होस्ट करने वाला है उड़ीसा। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आफ्टर द स्टूपेंडस सक्सेस of Odisha Men Hockey World Cup in 2018 and the scale at which it was hosted, FIH had announced last year that the 2023 FIH Men Hockey World Cup will be hosted in Odisha for the second consecutive time at two venue, Bhubaneswar and Rourkela। So Odisha का जो Men Hockey World Cup है 2018 का वो host करने वाले हैं। So Odisha था जिसने की host किया था मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होस्ट किया था कि FIH ने फिर से अनाउंस किया था कि वो 2023 में भी होस्ट करेंगे सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। कौन सी वेन्यू में? भुवनेश्वर एंड रूरकेला में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च हिमगिरी एट फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A? किसने लॉन्च किया हिमगिरी एट फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A? हमें ऑप्शन में दिया GRSE, बी दिया कोचिंग शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, डी दिया नन ऑफ दीज। सो हिमगिरी फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A लॉन्च किया है GRSE ने। GRSE क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हिमगिरी द फर्स्ट ऑफ द थ्री प्रोजेक्ट 17A ships being built at Garden Ridge Shipbuilder and Engineers Limited, Kolkata was launched on 14 December 2020। So इसे लॉन्च किया गया था 14 दिसंबर को, और इसे किसने बनाया है? गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने, और इसे लॉन्च भी उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, हु रिसीव गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस 2020? किसने रिसीव किया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस 2020? हमें ऑप्शंस में दिया राजनाथ सिंह, पी दिया गरिमा शर्मा, सी दिया पॉल सेंटवा, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिसीव किया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइस 2020, ये रिसीव किया पॉल सेंटवा ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IUCN Asia Regional Office congratulates Paul Saint-Tawa, recipient of the
Goldman Environmental Prize 2020 for Asia in recognition of its efforts in promoting the self-determination of the Karen people in managing their natural resources. So IUCN Asia Regional Office ne congratulate kiya Paul Sen Tawa ko for the Goldman Environmental Prize 2020 for Asia aur unhone recognize kiya unke efforts in promoting the self-determination of the Karen people in managing their natural resources. So kisne receive किया गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 दैट इज पॉल सेन तवा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज साइन एमओयू विद सी गंगा अ थिंक टैंक ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. किसने साइन किया एमओयू विद सी गंगा एक थिंक टैंक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ. हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है यूएसए, बी दियो ब्राजील, सी दियो नॉर्वे, डी दियो इंग्लैंड. सो ये एमओयू सी गंगा के साथ साइन किया है फॉर द थिंक टैंक ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दैट इज साइन बाय नॉर्वे. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. नॉर्वेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च हैज साइन एन एग्रीमेंट विद सी गंगा अ थिंक टैंक ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया. सो नॉर्वेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने बताया है कि उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट सी गंगा के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी किसे बनाया गया. हमें ऑप्शन दिया अतुल कुमार गोयल, बी दिया उदय कोटक, सी दिया संदीप बख्शी, डी दिया संजय अग्रवाल. ये बनाया गया है एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक दैट इज उदय कोटक. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन अप्रूव्ड रीअपॉइंटेड ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फाउंडर उदय कोटक एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2021. सो कोटक महिंद्रा बैंक ने रीअपॉइंट किया है अपने फाउंडर उदय कोटक को एज एमडी एंड सीईओ. कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. और इस पे आरबीआई ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि वो उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं. एक बार ऑप्शंस में तो चलते हैं, देखते हैं अतुल कुमार गोयल कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ है, दैट इज यूको बैंक, संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक और संजय अग्रवाल है एमडी एंड सीईओ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कि जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो देखते हैं कौन सी पेमेंट एप्लीकेशन जो है, कौन सी ऐप इन्होंने लॉन्च करी है. सो मैं ऑप्शन दिया इंडिया पे, बी दिया हुआ डाक पे, सी दिया हुआ पोस्ट पे, डी दिया हुआ नन ऑफ दिस. सो इन्होंने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च करी है, किसने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, कि जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो उन्होंने लॉन्च किया डाक पे. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट हैज अनवील्ड अ न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप कॉल्ड डाक पे एट अ वर्चुअल इवेंट. द ऐप इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑनगोइंग एफर्ट टू प्रोवाइड एक्सपेंड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री. सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप जो है डाक पे एक वर्चुअल इवेंट में लॉन्च करी है और ये उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत हेल्प करेगी और ये डिपार्टमेंट को हेल्प करेगी ऑनगोइंग एफर्ट्स में. सो कौन सी एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, दैट इज डाक पे. सो अब हम इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पीपल के बारे में बात करेंगे. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉन फिक्शन बुक ऑथर अमीश त्रिपाठी इज टाइटल धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. सो धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ के ऑथर कौन है, दैट इज अमीश त्रिपाठी. और ये फिक्शन बुक है, नॉन फिक्शन, दैट इज अ नॉन फिक्शन बुक. नेक्स्ट है इंडियन रेसलर स्त्रीपति कांचाले हु वॉज अ विनर ऑफ अ प्रेस्टिजियस हिंदी केसरी टाइटल इन 1959 हैड पास्ड अवे. श्रीपति कांचाले कौन थे, ये एक इंडियन रेसलर थे और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, हिंदी केसरी टाइटल का अवार्ड. नेक्स्ट है इस्टवानी प्राइम मिनिस्टर एम्ब्रोस दलमानी हैड पास्ड अवे. एम्ब्रोस दलमानी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इस्टवानी के. नेक्स्ट है ओम बिरला हैज रिलीज ए बुक समुंदर समावे बूंद में, ये इसका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश में इस बुक का नाम है द शौर्य अनबाउंड ऑन द ओकेजन ऑफ 19th एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक ऑन 13 दिसंबर. सो ओम बिरला जी ने ये बुक रिलीज करी जिसका नाम है समुंदर समावे बूंद में और ये इसका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश में इसका नाम है द शौर्य अनबाउंड और ये बुक है पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था 13 दिसंबर को. सो उसके ऊपर ये बुक उन्होंने रिलीज करी है. नेक्स्ट है द 49th विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 दिसंबर. 49th विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 दिसंबर को. एरोस्पेस साइंटिस्ट श्री रोदम नरसिम्हा हैड पास्ड अवे.
रोदर नरसिम्हा कौन थे, वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है, अमीश त्रिपाठी, और ये एक नॉन फिक्शन बुक है। नेक्स्ट है श्रीपति कंचाले, ये कौन थे, इंडियन रेसलर थे। अम्ब्रोस दलमानी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इस्टवाना। ओम बिरला जी ने कौन सी बुक रिलीज करी है और कौन से ओकेजन पे, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उस ओकेजन पे उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, समुद्र समावे बूंद में, ये उसका हिंदी वर्जन है, और इंग्लिश में द शौर्य अनबाउंड। विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया था, 16 दिसंबर। और श्री रोदम नरसिम्हा कौन थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड, किसे दिया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। हमें ऑप्शंस में दिया मुकेश अंबानी, बी दिया हुआ शिव नारायण, सी दिया रतन टाटा, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये अवार्ड मिला है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड मिला रतन टाटा को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, विटेरियर इंडस्ट्री रतन टाटा वर्स कन्फर्म्ड द टाइटल ऑफ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस बाय द फेडरेशन ऑफ द इंडो इसराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एपिटोमाइजिंग यूनिटी पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिला है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, और ये अवार्ड उन्हें इंडो इसराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया है फॉर यूनिटी पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वर्ल्ड लार्गेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, वर्ल्ड का लार्गेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे है। हमें ऑप्शंस में दिया गुजरात, बी दिया हुआ दिल्ली, सी दिया हरियाणा, डी दिया हुआ हैदराबाद। सो वर्ल्ड का लार्गेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है गुजरात में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन फॉर व्हाट ही सेड वुड बी द वर्ल्ड लार्गेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेट टू प्रोड्यूस मासिव 30 GW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वर्ल्ड का लार्गेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा 30 GW की इलेक्ट्रिसिटी, और वो कहाँ पे है, गुजरात में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च FX4U फॉर द यूज ऑफ फॉरेक्स रेमिटेंस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। किस बैंक ने लॉन्च किया FX4U, किस चीज के लिए, फॉरेक्स रेमिटेंस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग से। हमें ऑप्शंस में दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया आईसीआईसीआई बैंक, सी दिया कैनरा बैंक, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये बैंक है कैनरा बैंक जिसने लॉन्च करा FX4U, किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ फॉरेक्स रेमिटेंस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, कैनरा बैंक का पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फॉरेक्स रेमिटेंस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अ न्यू टेक प्रोडक्ट FX4U। सो कैनरा बैंक क्या एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और उन्होंने अनाउंस करा है कि वो लॉन्च कर रहे फॉरेक्स रेमिटेंस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और ये उनका न्यू प्रोडक्ट है जिसका नाम है FX4U। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, किसे इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के लिए। हमें ऑप्शंस भी दिया विपिन सोधी, बी दिया प्रसार भारती, सी दिया नलीन सिंगर, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये इलेक्ट किया गया प्रसार भारती को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनियन एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। प्रसार भारती जी को बनाया गया इसका वाइस प्रेसिडेंट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है वर्ल्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ऑप्शंस में पढ़ते हैं, विपिन सोडी किसके है, अशोक लेलैंड के सीईओ, और नलीन सिंगल किसके है, बेल के सीईओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, किसे मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। हमें ऑप्शंस विद योर बेल, विद योर सेल, सी दिया IOCL, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 मिला सेल को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिशियस गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन द स्टील सेक्टर by the Institute of Director. The award was conferred on SAIL in a virtual award presentation ceremony held on December 15, 2020. So SAIL को ये award दिया गया, ये prestigious award दिया है Golden Peacock Environment Management का steel sector में, और ये award उन्हें virtual ceremony के दौरान मिला है 15 दिसंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है। हमें ऑप्शंस में दिया 131, बी दिया 141, सी दिया 120, डी दिया नन ऑफ दीज। सो इंडिया की रैंक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 131, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इंडिया ड्रॉप 2 spot टू 131 आउट ऑफ 189 नेशंस ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिस ईयर। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो इंडिया की जो रैंक है वो ड्रॉप्ड हुई है इस साल अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान. और अब इंडिया की रैंक है दैट इज 131. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड. कहाँ पे हुई थी 9th एडिशन सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट. हमें ऑप्शंस में दिया सिक्किम, बी दिया गोवा, सी दिया देहरादून, डी दिया नानावतीस. सो ये हुई थी देहरादून में. आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. कौन सी एडिशन की मीनिंग 9th एडिशन की सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ हुई थी देहरादून में हुई थी. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कमेंस्ड इन वर्चुअल मोड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे. ये इंटरनेशनल माउंटेन डे पे ये समिट हुई थी विच इज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव. द 4-day लॉन्ग समिट सीक टू डेलिब्रेट ऑन इश्यूज सच एज माइग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर द फार्म सेक्टर एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द इंडियन हिमालयस. सो ये 9th एडिशन की सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट थी जो वर्चुअल तरीके से हुई थी. कौन से ओकेजन पे? इंटरनेशनल माउंटेन डे पे. और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन माउंटेन ने इसे इनिशिएटिव ने ऑर्गेनाइज किया था. ये 4 दिन की लॉन्ग समिट, इसमें उन्होंने माइग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंस, इनोवेशन सॉल्यूशन, फार्म सेक्टर्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर इस समिट में बात करी थी. और ये कहाँ हुई थी? देहरादून में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेट्रा. नेट्रा की फुल फॉर्म क्या है? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेटवर्क फॉर शीट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेक्स्ट है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रिप एंड एनालिसिस, या डी है नन ऑफ दिस. सो नेट्रा की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. इन द मिडल ऑफ द 2-month चंद्रयान 2 कैंपेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लास्ट मंथ क्वाइटली इनिशिएटेड प्रोजेक्ट नेट्रा, एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट. सो चंद्रयान 2 पर ये जो कैंपेन था जिसे इसरो के द्वारा किया गया था, इसमें एक प्रोजेक्ट का नाम था नेट्रा जो एक वार्निंग सिस्टम है स्पेस में जो डिटेक्ट करता है डेब्रिस एंड अदर हजार्ड इंडियन सैटेलाइट. इसलिए यहाँ पे हमने आपसे नेट्रा की फुल फॉर्म पूछी जो कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. हु इज सेलेक्टेड एज कमांडर ऑफ स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन. किसे सेलेक्ट किया गया है कमांडर ऑफ स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन? हमें ऑप्शन दिया हुआ है राजाचारी, बी दिया हुआ नितिन शर्मा, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया हुआ नन ऑफ दिस. सो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि किसे कमांडर बनाया गया है ऑफ स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन. ये मैं अभी आपको इसका आंसर बता देती हूँ. दैट इज राजाचारी. आपका ये ऑप्शन करेक्ट है. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. राजाचारी इज अमंग द 3 एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड बाय द नेशनल एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू फ्लाई टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पार्ट ऑफ द स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन. सो यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स है जिन्हें सेलेक्ट किया गया जिसमें राजाचारी जी का भी नाम है. और ये सिलेक्ट किया गया नासा के द्वारा और ESA के द्वारा कि ये फ्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ द स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन. इधर आपको 2 मेन एजेंसीज का नाम पता चल गया होगा, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का तो आपको पता ही है. नेक्स्ट है विच जूलॉजिकल पार्क हैड गॉट ISO सर्टिफिकेशन. कौन से जूलॉजिकल पार्क को मिला है ISO सर्टिफिकेशन? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, बी दिया नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, सी दिया नेहरू जूलॉजिकल पार्क, डी दिया नन ऑफ. तो कौन से जूलॉजिकल पार्क है जिसे मिला ISO सर्टिफिकेट? दैट इज नेहरू जूलॉजिकल पार्क. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. द नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एक्वायर ISO क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट. सो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जिसे इंडिया में पहली बार मिला है ISO क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन. कौन से जूलॉजिकल पार्क हो? दैट इज नेहरू जूलॉजिकल पार्क. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो हमारा पहला पॉइंट है फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रेमैन हैज पास्ड अवे. एरिक फ्रेमैन कौन थे? वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में थे. नेक्स्ट है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की विन द बेस्ट फीफा मैन प्लेयर 2020 एंड लूसी ब्रॉन्स वन द वुमेन बेस्ट प्लेयर अवार्ड. सो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है उन्होंने जीता है बेस्ट फीफा मैन प्लेयर और लूसी ब्रॉन्स ने जीता है बेस्ट वुमेन के लिए. नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को और इसकी थीम क्या थी? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी. नेक्स्ट है अरेबिक लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को,
इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है गोवा लिबरेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 19 दिसंबर को, कि जिससे कि हम मार्क कर सके एक डे इंडियन आर्म फोर्स ने किस तरीके से फ्री करवाया था गोवा को इन 1961 में। सो एक बार इसको वापस से पढ़ लेते हैं। एरिक फ्रेमन कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में थे। रॉबर्ट लेवांडोवासी ने जीता है बेस्ट फीफा मैन प्लेयर, और लूसी ब्राउन ने जीता है बेस्ट वुमेन के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 दिसंबर को। अरेबिक लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट की जाती है 18 दिसंबर को, और ये इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। गोवा लिबरलाइजेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 19 दिसंबर को, कि जिससे कि मार्क करता है द डे फॉर इंडियन आर्म फोर्स हु फ्री गोवा इन 1961। अब हम बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड प्लेज्ड अ सम ऑफ $1 million टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी टुवर्ड्स इट्स साइंटिफिक रिसर्च बजट टू इंश्योर एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लीन स्पोर्ट ग्लोबली। किसने प्लेज किया है $1 million का टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को टुवर्ड्स उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बजट? सो हमें ऑप्शंस में दिया इंडिया, साउथ अफ्रीका, सीधी और ब्राजील, डी दिया नन ऑफ दी। सो ये प्लेज ये दिया है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया हैज प्लेज्ड अ सम ऑफ $1 million टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी टू वर्ड्स अ ग्लोबल एजेंसी साइंटिफिक रिसर्च बजट टू इंश्योर एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लीन स्पोर्ट ग्लोबली व्हिच विल अलाउ वाडा टू डेवलप इनोवेटिव एंटी डोपिंग टेस्टिंग एंड डिटेक्शन मेथड। इंडिया ने प्लेज करे हैं सम $1 million का टू द वाडा टूवर्ड्स किसके लिए? ग्लोबल एजेंसी साइंटिफिक रिसर्च का ये बजट है, कि जिससे कि इंश्योर करा सके कि ये एटमॉस्फेयर को क्लीन स्पोर्ट, सो दैट ये दे कैन अश्योर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लीन स्पोर्ट ग्लोबली। ओके, सो किसने दिए हैं ये, किसने करे हैं प्लेज? दैट इज इंडिया हैज प्लेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होस्ट G7 समिट 2021? किसने होस्ट करी G7 समिट 2021? हमें ऑप्शंस में दिया UK, दिया USA, दिया नॉर्वे, दिया नन ऑफ दिस। सो ये होस्ट करी UK ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टू बी द पार्ट ऑफ द G7 समिट chaired by the UK in 2021, seeking to build a wider alliance against China's growing power. So Prime Minister Narendra Modi ne accept kiya tha invitation British Prime Minister Boris Johnson ka G7 summit meeting ke liye, और उन्होंने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाया है अगेंस्ट चाइना ग्रोइंग पावर। किसने होस्ट करी G7 2021 summit? That is hosted by UK. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which state CM had launched परिश्रम पोर्टल? सो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम बताना है, और हमें ऑप्शंस मिल गया उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या दिल्ली। सो कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च किया? दैट इज उड़ीसा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस परिश्रम पोर्टल अलॉन्ग विद 22 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। नवीन पटनायक जी ने लॉन्च करी है परिश्रम पोर्टल, जिसके अंदर 22 ऑनलाइन सर्विसेज है फॉर लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज साइन MOU with Government of India for the upgrade of rural power distribution network in Uttar Pradesh? किसने साइन किया है MOU फॉर द अपग्रेड ऑफ रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे और अपग्रेड कर सके? हम ऑप्शन दिए यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, बी दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया वर्ल्ड बैंक, डी दिया नन ऑफ दी। सो ये MOU उन्होंने साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए $300 million लोन टू अपग्रेड रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया $300 million का लोन, कि जिससे कि वो ऑपरेट कर सके रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंज्यूमर को इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गोइंग टू होस्ट 2030 एशियन गेम? कौन होस्ट करने वाला 2030 एशियन गेम? हमें ऑप्शन दिया कतार, दिया सऊदी अरेबिया, सीधे ब्राजील, दिया नन ऑफ दिस। सो ये होस्ट करने वाला कतार। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 2030 एशियन गेम वर होस्टेड टू दोहा बीट रियाद फॉर द 2030 गेम इन द वोट एट द ओलंपिया काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असेंबली। सो ये जो 2030 के जो एशियन गेम का अवार्ड है ये दोहा को मिला। दोहा ने बीट किया रियाद को 2030 के लिए, और ये उनको वोट मिल दिया गया ओलंपिया काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ NHAI? NHAI के चेयरमैन कौन है? NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है शशु शंकर, बी दिया हुआ है सुखबीर सिंह संधू, सी दिया मनोज आहूजा,
डी दी ऑन नन ऑफ दिस। सो चेयरमैन जो है NHAI के दैट इज सुखबीर सिंह संधू। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने यही लिखा हुआ है कि NHAI के जो चेयरमैन दैट इज सुखबीर सिंह संधू। बाकी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। शशि शंकर जो है ये CMD है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के, और मनोज आहूजा जो है वो है चेयरपर्सन है CBSE के। सो चेयरमैन जो क्वेश्चन में पूछा गया NHAI के कौन है, दैट इज सुखबीर सिंह संधू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज मेगा लेदर पार्क विथ 5,850 करोड़ इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे है मेगा लेदर पार्क जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है 5,850 करोड़, मतलब 5,850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। हमें ऑप्शंस में दिया गुजरात, बी दिया कानपुर, सी दिया दिल्ली, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लगाया गया कानपुर में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, द पार्क विच इज पार्ट ऑफ द मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट इज लाइकली टू क्रिएट 50,000 जॉब्स। रिसेंटली द प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज लाइकली टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट सून। सो ये जो मेगा लेदर प्रोजेक्ट है ये कानपुर में लगाया गया है और ये क्रिएट करेगा 50,000 जॉब, और इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ही इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल भी दिया और इसे काफी इनिशिएट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन पार्टनरशिप विद इंट्रा सिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड ट्रेवल इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख ऑन टिकट फॉर बस कम्यूटर्स। किसने पार्टनरशिप करी है इंट्रा सिटी रेल यात्री के साथ कि जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके ट्रेवल इंश्योरेंस 5 लाख तक की ऑन टिकट्स फॉर बस कम्यूटर्स के लिए। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है किसने करी है, उनका नाम हम देखते हैं। हमें ऑप्शन दिया HDFC लाइफ इंश्योरेंस, बी दिया SBI जनरल इंश्योरेंस, सी दिया PNB लाइफ इंश्योरेंस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये करी है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज पार्टनरशिप विद इंट्रा सिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख टू बस कम्यूटर ऑप्टिंग टू ट्रैवल थ्रू इंट्रा सिटी रेल यात्री। द ट्रैवल कवर इज ऑफर्ड ऑन बाइंग द टिकट। ये ट्रैवल जो इंश्योरेंस है वो तभी होगी कवर्ड अगर आप बाय करते हो टिकट, और ये करी है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसके साथ ये पार्टनरशिप करी है, इंट्रा सिटी रेल यात्री के साथ, कि वो प्रोवाइड करेगी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का बस कम्यूटर्स को अगर वो ऑप्ट करते हैं ट्रैवल थ्रू इंट्रा सिटी रेल यात्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन ए MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर US$4.21 million टू इम्प्रूव अर्बन एमिनिटीज एंड डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन त्रिपुरा। किसने साइन किया MOU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर US$4.21 million के लिए कि जिससे कि वो इम्प्रूव करेंगे अर्बन एमिनिटीज और डेवलप करेंगे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिपुरा में। हमें ऑप्शंस में दिया वर्ल्ड बैंक, हमें ऑप्शंस में दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया वर्ल्ड बैंक, सी दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसके साथ साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। कितने के लिए, 4.21 मिलियन के लिए कि जिससे कि वो इम्प्रूव करेंगे अर्बन एमिनिटीज और डेवलप करेंगे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिपुरा में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूनियन गवर्नमेंट हैव साइन ए 4.21 मिलियन प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग facility for the preparation of infrastructure development project to improve urban amenities and develop tourism infrastructure in the northeastern state of Tripura. So Asian Development Bank ने sign किया है ये MOU government of India के साथ 4.21 million का ये project sign किया है कि जिससे कि ये encourage कर सके infrastructure development project को, ये इम्प्रूव कर सके अपने अर्बन अमेनिटीज को और डेवलप कर सके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ पे, त्रिपुरा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, हमें ऑप्शन 114, बी दिया 110, सी दिया 111, डी दिया 94। सो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 अ वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ सिविल इकोनॉमिक एंड पर्सनल फ्रीडम रिलीज प्लेस्ड इंडिया एट 111 स्पॉट आउट ऑफ 162 कंट्री। इंडिया रैंक 94th ऑन द इंडेक्स इन 2019 में इंडिया की जो रैंक थी दैट वॉज 94 और अब जो है इंडिया की रैंकिंग दैट इज 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ बाय UNEP। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के दौरान यंग चैंपियन अर्थ पे कौन है। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है रोहित शर्मा, बी दिया हुआ है करण आहूजा, सी दिया आदित्य शाह, डी दिया विद्युत मोहन। सो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ
जो ये अवार्ड है UNEP ने दिया है, ये दिया है विद्युत मोहन को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑन दिसंबर 15, 2020 नेम्स 67 यंग इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट्स यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020। द लिस्ट ऑफ द विनर ऑल्सो इंक्लूड विद्युत मोहन, अ 29 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया एंड को फाउंडर ऑफ टाका चक्र एंटरप्राइज दैट एनेबल फार्मर्स इन प्रिवेंटिंग द ओपन बर्निंग ऑफ फार्म बिसाइड यू। सो ये मिला है एक यंग ओल्ड एंटरप्रेन्योर को जिसकी एज है 29। ये एक यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है विद्युत मोहन को जिनकी एज है 29, ये एक एंटरप्रेन्योर है और ये को फाउंडर ताका चक्रा के। ये इसमें ये एनेबल करते हैं फार्मर्स को अबाउट द बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये अवार्ड काफी लोगों को मिला है, ये अवार्ड मेनली 7 लोगों को मिला है और इसमें इनका भी नाम इंक्लूडेड है। अब हम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद अमीर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहम्मद अमीर कौन थे? वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, मॉरिटियन बैडमिंटन प्लेयर। फू कुन बैंड फॉर 2 ईयर्स बाय CAS मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के दौरान फू कुनी को बैन किया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी सॉलिडरिटी डे कब सेलिब्रेट किया? 20 दिसंबर को, जिससे कि हम क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडरिटी। मोहम्मद आमिर कौन है? वो पाकिस्तान के क्रिकेटर है। फू कुनी कौन है जिन्हें बैन किया गया है 2 साल के लिए CAS के द्वारा? CAS की फुल फॉर्म क्या होती है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 दिसंबर को। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई।